तो वीकेंड्स पे कॉर्पोरेट भी लियो ही बन जाते हैं, आप जाके देखो इधर पुणे में, NCR में, मुंबई में, वीकेंड्स पे बहुत सी लियो होते हैं। हम सबके अंदर कहीं एक लियो छुपा हुआ है, इसलिए लियो वर्क करता है। हम सबके अंदर एक ऐसा आदमी छुपा हुआ है जिसको सडनली बहुत पैसे चाहिए, जिसको जिंदगी में कोई काम नहीं करना है, बट खूब मेहनत कर लिया तो सक्सेसफुल एक्टर बन जाओगे, ये इसकी गारंटी नहीं है। खूब मेहनत कर लिया फिर उसके बाद खूब लक भी चाहिए। नहीं नहीं मैं तुरंत डर जाऊंगा, मेरी हालत खराब, 25 रुपए आ जाएंगे, मैं डर जाऊंगा कहाँ से आ गया 25 रुपए इतना मेरे अकाउंट में, इतना पसंद आएगा ये तो। फिर ये तो मतलब वही जैसा मैं कह रहा हूँ, लक और जुआ है, चल गया पत्ते अच्छे आ गए तो। रहे हैं फिल्मी बीट, और आज हमारे साथ द एडवेंचर ऑफ लियो के मेन लीड एक्टर आनंदेश्वर द्विवेदी वो मौजूद हैं बातचीत के लिए। और इन्होंने जो ये लियो कैरेक्टर है ना, आई मीन इसको इंट्रोडक्शन का तो मुझे लगता है जरूरत है नहीं, बट फिर भी बात कर लेते हैं उनसे कि भाई ये लियो कैरेक्टर जब आपके पास आया तो हम पहले भी देख चुके हैं बट इसका एक छोटा सा पार्ट हमने देखा था, कैसा लगा मतलब जब इस पे एक अलग वेब सीरीज बनी तो आनंद? इस पे हम लोग वेब सीरीज बहुत मतलब समय से सोचते थे कि बनाएंगे एक ये करेक्टर, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग था और लोगों पे वर्क भी किया, तो हम हमेशा सोचते थे कि इस पे कुछ एक बनाते हैं। बट मुश्किल ये थी बनाने में कि परमानेंट रूममेट्स में बाकी सारे लोग सेन हैं, मिकेश, तानिया, ये लोग सब सेन हैं, उस बीच में एक इनसेन आदमी दिखता तो आपको थोड़ी हंसी आती। बट हमारे लिए चैलेंज ये था इस शो को लिखने में कि या बनाने में कि अगर ये इंसेन है तो इसकी पूरी दुनिया भी इंसेन होगी, तो जब पूरी बिल्कुल दुनिया इंसेन है तो दर्शक सिर्फ इंसैनिटी देख के दर्शक थोड़ा ये हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो हमारा चैलेंज ये था कि इंसैनिटी के दौरान भी एक एक मतलब ह्यूमन एलिमेंट या एक रिलेटेबल एलिमेंट लोगों के लिए बना के रखें, पकड़ के रखें, जिससे लोगों को देखने में मजा आए, तो वो एक चैलेंज था। मतलब रिव्यूज बहुत अच्छे हैं और 3 नवंबर जी को सीरीज आ चुकी है, जो मतलब फीडबैक आ रहा है ऑडियंस का, बहुत सारा प्यार मिल रहा है लियो के कैरेक्टर को, उस पर क्या कहना है? जी वो तो मतलब जो हमारी ऑडियंस रही है, मतलब मैं 2012 से इंटरनेट पे काम कर रहा हूँ और हमेशा जो ऑडियंस का जो प्यार मिला है, जो सपोर्ट मिला है, जो फीडबैक मिलता है हम लोग ऑडियंस से, वो जनरली हम लोग टीवी में जो ऑडियंस का फीडबैक होता है उसको हम लोग बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग शुरू से जो जनता का कमेंट्स होता है, जो कमेंट सेक्शन होते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं, वहां से सीखते हैं। और ये जो हमेशा से जो लोगों का प्यार मिला रहा है इस किरदार को, या कोई भी किरदार मैं करता हूँ टीवीएफ के माध्यम से, तो उसके लिए मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है जनता को, बहुत प्रेम है और मतलब उनको तो प्रणाम है मेरी तरफ से। अच्छा आनंद, आप इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हो कि अचानक से आप इतने रिच बन जाओ, तो आप इस चीज को मैजिक या फिर हार्डवर्क, इस चीज में क्या आपके थॉट्स हैं? डेफिनेटली हार्डवर्क, ये तो एक लिखा हुआ शो है इसलिए उसमें मैजिक हो गया, बट डेफिनेटली हार्डवर्क, मतलब हार्डवर्क के अलावा तो कोई और कुछ चारा ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट ऐसा आप मानते हो कि हार्डवर्क तो ठीक है, कभी कभी होता है बहुत सारा हार्डवर्क किया बट स्टिल लक और कुछ मैजिकल चीजें होती हैं, डू यू बिलीव इन दैट? जी, हमारे स्पेशली हमारे क्षेत्र में, हमारे फील्ड में तो हार्डवर्क तो सब हार्डवर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हार्डवर्क नहीं कर रहा है। जितने लोग कलाकार बनना चाहते हैं, जो अभिनेता बनना चाहते हैं, अभिनेत्री बननी चाहती हैं, लेखक बनना चाहते हैं, निर्देशक बनना चाहते हैं, सब मेहनत तो कर ही रहे हैं। बट हमारे क्षेत्र में स्पेशली जो है लक का बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप सही जगह पे सही समय पे हो, आप सही ऑडिशन में गए, सही लोगों से मिल गए, सही लेखक ने आपको देख लिया एक बार आपकी एक्टिंग को छोटे से पार्ट में भी। तो हमारे फील्ड में स्पेशली मैं मानता हूँ कि बहुत लक नीडेड है, बाकी फील्ड्स में प्रॉब्ली सिर्फ हार्डवर्क से काम चल जाता है कि खूब मेहनत कर लिया तो अच्छे डॉक्टर बन गए, बट खूब मेहनत कर लिया तो सक्सेसफुल एक्टर बन जाओगे, ये इसकी गारंटी नहीं है। खूब मेहनत कर लिया फिर उसके बाद खूब लक भी चाहिए एक सक्सेसफुल बिल्कुल अभिनेता बनने के लिए। जी आनंद, जब आपको ये मतलब आपको पता चला कि मेरे को एक अलग से ये सीरीज मिल रही है, आपने जब बिल्कुल परमानेंट रूममेट्स के टाइम पर लियो का कैरेक्टर सुना होगा, तो आपको लगा था कि मतलब ये इतना पसंद किया जाएगा? कुछ मतलब था, एक्सपेक्टेशंस थी ऑडियंस से कि ऐसा कुछ एक इनसेन कैरेक्टर लोगों को इतना पसंद आ जाएगा? मतलब हमें थोड़ा सा अंदेशा था कि ऐसा कुछ एक इंसेन कैरेक्टर बनाएंगे, क्योंकि हम लोग शुरुआत से ही जैसा हम लोग लिखते हैं या जैसी हम लोग कहानियां कहते हैं, जैसी हम बातें कहते हैं, तो हम उस समय जस्ट कॉलेज से निकले थे और हम जिन फिल्मों को देखते थे, जिन फिल्मों से इंस्पायर होते थे, उसमें एक ऐसा होता था कि ठीक है, एक देर इज अ एक एक इंसेन कैरेक्टर है या एक कॉमिक एलिमेंट के लिए ऐसा एक पागल सा आदमी रखा हुआ है।
तो हमको लगता था कि शायद हम कुछ ऐसा करेंगे और ढंग से करेंगे और अगर ईमानदारी से करेंगे और उसको बहुत ही इंडियनाइज्ड वे में करेंगे, उसको मतलब देख के इंस्पायर आप हो सकते हैं पश्चिमी फिल्मों से, पर उसको उस कैरेक्टर को लिखने का तरीका या उसके जो सिचुएशंस हैं वो इंडियनाइज्ड होंगे तो शायद लोगों को पसंद आएगा। इतना पसंद आएगा ये तो फिर, ये तो मतलब वही जैसा मैं कह रहा हूँ, लक और जुआ है, चल गया, पत्ते अच्छे आ गए तो। ये लियो के लेसन्स क्या है, मतलब ये क्या है, ट्विटर पे बाढ़ रहती है लियो के लेसन्स #1 2, क्योंकि उनकी जो बातें वो बहुत अलग है कि अगर कोई लेट हो रहा है तो मैं क्यों, तू आ जा, मतलब बहुत ही ज्यादा, जिसे मैंने पढ़े ना 2 3, तो मैं भी बहुत हंसी। मैंने हाँ परमानेंट रूममेट्स के कंप्लीट ऐसे सीजंस नहीं देखे थे, बट मैंने अमेजोन पर ये देखी, क्योंकि अमेजोन मैंने टीवी पर छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं, पता नहीं चलता कब खत्म हो गए। तो वहां पर आपको क्या लगता है, लियो के लेसन्स हैं क्या, ये इतने जो लोग इसके पीछे क्रेजी हैं? हम सबके अंदर कहीं एक लियो छुपा हुआ है, इसलिए लियो वर्क करता है। हम सबके अंदर एक ऐसा आदमी छुपा हुआ है जिसको सडनली बहुत पैसे चाहिए, जिसको जिंदगी में कोई काम नहीं करना है, जिसको बैठ के आराम करना और मस्ती करनी है। तो शायद इसलिए वो कैरेक्टर रेजोनेट करता है कि हम सबके अंदर एक लियो छुपा हुआ है कि किसी दिन 2 घंटे के लिए निकलता है, किसी दिन 2 दिन के लिए निकलता है, कभी वीकेंड पे निकल जाता है। तो शायद इसलिए वो कैरेक्टर हम सबके लिए वर्क करता है। बट लियो का जो कैरेक्टर है वो कॉर्पोरेट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो मैजिक ही होना चाहिए उसके लाइफ में। तो वीकेंड्स पे कॉर्पोरेट भी लियो ही बन जाते हैं, आप जाके देखो इधर पुणे में, NCR में, मुंबई में, वीकेंड्स पे मोस्टली लियो होते हैं। अच्छा, हमने ना इसमें देखा कि एक ओटीपी शेयर करना लियो को इतना महंगा पड़ जाता है, तो कभी ऐसा पर्सनल, मतलब रियल लाइफ में हुआ है कि, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे स्कैम होते हैं, यूजुअली पेटीएम पर कॉल आते हैं कि मेरे पास आपके पैसे हाँ, हैं, आप इस पर ओके कर दो, ऐसा कुछ कभी हुआ आपके साथ स्कैम कुछ? मेरे परिचय में लोगों के साथ हो चुका है ऐसा ऑनलाइन स्कैम। हाँ, तो वही इसीलिए इस चीज को भी हमने यूज किया कि अगेन बहुत एक रिलेटेबल एलिमेंट है जिसमें लोग आजकल फंस रहे हैं, साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं। तो इसमें अच्छे बात है कि सरकार जो अवेयरनेस बढ़ा रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं, और ये इसमें फंसते स्पेशली थोड़े बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं, जिनको उतने हमारे माता पिता चाचा चाची हो गए, जो थोड़े जनरेशन हाँ जो उतने टेक सेवी नहीं है, जो जिनको इतना नहीं, अवेयरनेस नहीं है, जो मान जाते हैं कि अच्छा ये तो सही कह रहा होगा। तो मेरे पिताजी को ये मतलब 2018-19 के समय में एक महीना 1.5 महीना एक फीमेल थी, उन्होंने चेज किया कि आपके जमीन पे हमको एक मोबाइल का टावर लगवाना है, और फिर वो पापा ने मेरे को बताया नहीं था 2-3 हफ्ते तक। फिर जब उन्होंने बताया तो मैंने कहा कि अरे नहीं नहीं ये तो डेफिनेटली फेक होगा, आप जो लोकल उस टेलीकॉम का ऑफिस है वहां जाके एक बार बात कीजिए। फिर गए, फिर बात बात किया तो बच गए। फिर एक दो दोस्तों के साथ ऐसे ऑनलाइन ऑर्डरिंग में हो चुका है स्कैम, हाँ, मतलब कुछ पैसे चले गए। तो यस, शॉपिंग ये ऐप्स में तो बहुत होता हाँ, है। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज तो है, और इस पे अवेयरनेस जितनी ज्यादा बढ़े, हम जितना ज्यादा बात करें, एक दूसरे को बताएं, किसी के साथ हुआ तो दोस्तों के साथ शेयर करें कि मेरे साथ ऐसे करके ये स्कैम हो गया, तो एक दूसरे को अवेयर करें, तो उससे हम सब सेफ रह सकते हैं। लियो के कैरेक्टर को आप अपनी पर्सनल लाइफ में कितना रिलेट करते हो? फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं, जब कॉलेज का समय अभी था तब, कुछ ऐसा जो करो उसका कुछ एक्सेप्ट करो, अडेप्ट करो। कॉलेज का जब समय था तब 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 वो एक थोड़ी सी वाइंडनेस थी कि मतलब दोस्तों की चीजों पे अपना हक समझना, कि मतलब अब दोस्तों से बगैर पूछे उनके पैसे ले लिए, चीजें ले ली, कुछ भी उठा हाँ, लिया। तो कॉलेज के समय में था कि थोड़ी सी, स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेज बॉयज हॉस्टल, वो एक माहौल, वो लियो टाइप का ही माहौल रहता है कि कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, किसी के लिए कोई फिल्टर नहीं होता है। तो हाँ, वो एक हिस्सा जो है लियो के पर्सनैलिटी का कि वो उसको बाउंड्रीज समझ में नहीं आती है, उसको फिल्टर समझ में नहीं आते, तो वो एक समय में था ऐसा जीवन में, कॉलेज के समय वो में। कॉलेज में ही रह गया लेकिन। हाँ, वो कॉलेज में ही रहेगा, कॉलेज के निकलने के बाद कुछ साल कुछ दोस्तों के साथ है अभी भी कि फिल्टर्स नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है। कुछ परिवार के सदस्य हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि फिल्टर्स नहीं होती है, बाउंड्रीज नहीं होती है, बट बाकी जो उसका ये है, जो उसका लाइफस्टाइल या जो भी है, वो तो नहीं है। अच्छा, कभी अगर ऐसा हो कि आपको आउट ऑफ नो वेयर इन रियल लाइफ, मैजिकल मान लीजिए, ऐसे $500 मिलियन आ जाए आपके पास, रिएक्शन रिएक्शन क्या होगा और आप क्या करोगे उनका, वापस कर दोगे उनको या क्या करोगे? भाई, रिएक्शन ये होगा कि मैं डर जाऊंगा पहले तो। मैं सीधा जाके सरकार को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, पुलिस को, बैंक को, सबको बता दूंगा कि भाई ये पैसे मेरे अकाउंट में आ गए, प्लीज देख लीजिए ये कैसे आए, क्यों आए, क्या हुआ।
अच्छा मतलब आप वहां पे उनको लियो वाले चीते नहीं अपनाओगे? नहीं मैं तुरंत डर जाऊंगा, मेरी हालत खराब, 25 रुपए आ जाएंगे, मैं डर जाऊंगा कहाँ से आ गया 25 रुपए इतना मेरे अकाउंट में। ये अच्छी बात है, ऑनेस्टी एट इट्स पीक, काफी रेयर है। हाँ अच्छा अब टीवीएफ के हम आपके बहुत सारे शोज देख चुके हैं, एनी अपकमिंग अपडेट्स? कुछ कुछ काम चल रहा है जिसपे मैं अभी ज्यादा डिटेल्स नहीं दे सकता हूँ, पर हाँ टीवीएफ में बहुत कुछ काम चल रहा है, मिनी टीवी के साथ एसोसिएशन पे बहुत कुछ काम चल रहा है, तो आने वाले दिनों में जल्दी जल्दी हम कुछ कुछ बताएंगे। क्या होता है कि बहुत सारे पार्टनर्स, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उस वजह से बहुत इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे पाते हैं बहुत अर्ली स्टेजेस पे, बट हाँ चीजें कुछ अर्ली स्टेज में, कुछ डेवलपमेंटल स्टेज में, तो उन पे सब पे काम चल रहा है और जल्दी सबको सब कुछ बताया जाएगा क्या हुआ। आनंद जी, लियो का ये कैरेक्टर ना मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया है, और मैंने तो देख लिया है वेब सीरीज, ठीक है? और जब तक इसका फितूर उतरे उससे पहले हमें और कुछ लाकर दे दीजिएगा जल्दी से, क्योंकि हम ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे आपकी कॉमेडी का। जरूर जरूर जरूर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।